हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे लगभग कल 20th of September है, ठीक है। तो कल देखेंगे कल के दिन किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप एलएनटी को देखेंगे आज, ठीक है, तो आज हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। तो आज के दिन ये जो कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये हाफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस वीक में ये कल के दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50% मतलब 3650 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा ये नेगेटिव सिनेरियो में अगेन चला जाएगा। अदरवाइज जिस जोन पे ट्रेड कर रहा है वो उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अगर आप यहाँ पे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, 3750 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी जो नीचे की ओर सपोर्ट है ये लगभग 3650 के आसपास है। तो अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाउंस बैक दे देगा और कल की क्लोजिंग जो होगी 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को इस तरीके से कुछ कैंडल देखने को मिल सकता है। और अगेन इस लेवल के आसपास जाता है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास जाते जाते यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। तो कल के दिन अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है कल के दिन इसी के अंदर हमारे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिले। थैंक यू।